सब्सक्राइब कीजिए गुलशाद अंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। हेलो एंड वेलकम टू गुलशाद एकेडमी। मेरा नाम गुलशाद अंसारी है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और न्यू ग्रुप क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिर से 3ds मैक्स की। काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप लुमियन की भी ग्रुप क्लास बना लो, तो ग्रुप क्लास अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है और लुमियन के लिए इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, थोड़े कम ही है। तो मैंने सोचा है कि पहले 3ds मैक्स की बना लेता हूँ, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। मैंने अब से पहले चार पांच ग्रुप को करा चुका हूँ। इंडिविजुअल तो काफ़ी दिनों से मैं क्लासेज ले रहा हूँ, लेकिन मैं अब ग्रुप क्लासेज बनाकर क्लास लेता हूँ जूम पर 1-to-1। तो अगर आप काम करते हैं 3ds मैक्स पे, आप अगर एज ए बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपके लिए ये ग्रुप क्लास ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 3ds मैक्स की, वो मैं सारी आपको अभी तरीके बताऊंगा। आपको वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक सारी चीज़ बताने वाला हूं। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो अगर आप पहले से ही काम कर रहे हैं 3ds मैक्स पर, आपने कहीं से सीखा है या मेरी यूट्यूब की वीडियो से सीखा है, कहीं से भी सीखा है, लेकिन आपको फाइनल मज़ा नहीं आ रहा, मतलब फाइनल रेंडर नहीं मिल पा रही, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल रही, देखिए उस चीज़ के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी से रेंडर की सेटिंग ले लो हो जाएगा, या फिर किसी से मटेरियल ले लो, किसी से 3ds मैक्स के मॉडल्स ले लो, इनसे कुछ नहीं होगा। अगर एक चीज़ में भी आपकी कमी है तो आपका अनकम्प्लीट है। ये चीज़ें आपको मांगने से मिल जाएंगी। मटेरियल आप किसी से भी ले सकते हो, टेक्सचर 3ds मैक्स के जो मॉडल्स होते हैं 3D मॉडल्स, ये आप किसी से भी ले सकते हो, लेकिन आप किसी से कैमरा का लोकेशन नहीं ले सकते कि कैमरा किस जगह पर लगाना है, किस सिचुएशन में। लाइट्स मेन चीज़ क्या होती है, लाइट्स सबसे बड़ा टॉपिक इसमें लाइट्स का होता है। अगर आपको लाइट की नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि लाइट किस तरह वर्क करती है और किस किस जगह पर हमें लाइट लगानी चाहिए, किस तरह से रेंडर आएगा, तो आप चाहे कितने हाई क्वालिटी के टेक्सचर यूज़ कर लो, चाहे जितने हाई क्वालिटी के 3D मॉडल्स यूज़ कर लो, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लियो, चाहे जितनी हाई क्वालिटी पर रेंडर निकाल लियो, चाहे कितनी एक्सपर्ट की रेंडर सेटिंग ले लियो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सबसे पहली चीज़ मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मॉडलिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, आप स्केचअप से मॉडलिंग करके ला सकते हैं, रेविट से मॉडलिंग करके ला सकते हैं, ऑटोकैड से भी मॉडलिंग करके आप 3ds मैक्स में ला सकते हैं, और मॉडल्स भी इधर उधर से फ्री में बहुत सारे मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। हो सके आपने किसी से ख़रीद रखे हों, वो ला सकते हैं, लेकिन इस मॉडलिंग के टॉपिक के बाद में आपको ये देखना है कि आपको किस किस जगह से रेंडर लेना है, किन किन डायरेक्शन से, किस लोकेशन से कैमरा लगाना है, कैमरा की हाइट क्या होनी चाहिए, टारगेट की हाइट क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है, एपरेचर क्या होना चाहिए, शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की अगर आपको नॉलेज नहीं है, और ये चीज़ कोई फिक्स नहीं होती, इसको सीखना ज़रूरी है। इसका ऐसा नहीं है कि आप, मैं आपको कैमरा भेज दूँ अपने किसी प्रोजेक्ट का सेट होया हुआ और आप उसको अपने उसमें कॉपी करके रख दो, नहीं होगा। आपको हर प्रोजेक्ट में कैमरा अलग तरीके से लगाना पड़ेगा, उसकी जो है ना सारी चीज़ें अलग रहेंगी प्रोजेक्ट के हिसाब से, इंटीरियर में अलग और एक्सटीरियर में अलग, छोटी जगह में अलग, बड़ी जगह पे अलग, टॉप व्यू से अलग, मतलब वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद लाइट्स आपको देखना ये है कि आप कैसे कैसे लाइट्स मूड क्रिएट कर रहे हो। अगर आप इंटीरियर में हो या एक्सटीरियर में हो, तो आप क्लाइंट के लिए तो काम करोगे ना, तो आप क्लाइंट को किस हिसाब से प्रेजेंट करना चाहते हो, नाइट मूड बना रहे हो, इवनिंग बना रहे हो, या फुल डे, फुल जो सनी डे होता है, दोपहर का जो टाइम होता है वो दिखाना चाहते हो, चाहे वो इंटीरियर में हो चाहे वो एक्सटीरियर में हो, वो मेन चीज़ है, वो भी आप किसी से नहीं ले सकते। यहाँ तक कि मैं भी आपको कोई अपने प्रोजेक्ट में से उठा के आपको भेज दूंगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तक कि मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट भी दे दूँ, आप उसमें से वो लाइट उठा के अपने प्रोजेक्ट में लगा लो, फिर भी नहीं होने का। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप इसको रेंडर निकाल लो, चाहे आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही निकाल लो, थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, 2-3 चीज़ें हैं बस, उनको चेंज किया और रेंडर हो जाएगा, लेकिन अभी भी आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपने कैमरा भी लगा लिया, लाइट भी लगा ली, रेंडर भी कर लिया, मॉडलिंग भी अच्छी कर रखी है, फिर भी आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन।
जो कि फोटोशॉप में किया जाता है। अब बहुत से कहते हैं कि हमें तो फोटोशॉप आता है। भले ही आपको फोटोशॉप कितना आता हो, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का तरीका थोड़ा अलग है। फोटोशॉप आना ज़रूरी है पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए, फोटोशॉप की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन जो यहाँ से जो फाइल बनकर जाएगी, जो यहाँ से आउटपुट जाएगा 3ds Max से रेंडर होने के बाद, वो पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करेंगे फोटोशॉप में, कैसे कैसे क्या क्या टेक्निक रहेगी, फिर आपका फाइनल आउटपुट आएगा और आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। यही चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज रहती हैं उसमें, मैं यही सिखाता हूँ। मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा और वहाँ पर आपको कुछ इसका वो दिखाऊँगा जो क्लासेज में चल रहा है। वीडियो बनाने का बहुत टाइम कम मिलता है और वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, घंटों लग जाते हैं वीडियो बनाने में। बहुत सारे ये बोलते हैं, सर आप बस वीडियो बना के भेज दो या वीडियो बनाने के लिए पूरा माहौल बनाना पड़ता है। कोई अभी ऐसा सेटअप रेडी नहीं है कि आओ स्विच ऑन करो और वीडियो बना के डाल दो, ऐसा नहीं है। पहले तो पूरा का पूरा सेटअप सेट करना होता है कैमरा के सामने आने के लिए, ठीक है। या अगर मैं अगर स्क्रीन रिकॉर्ड भी करूं तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बना के डाली कि जिसमें बैकग्राउंड में पीछे से आवाज़ें आ रही हों, हॉर्न की आवाज़ आ रही हो, किसी फैमिली की, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल जब वीडियो बनाता हूं, लेट नाइट में वीडियो बनाता हूं, बिल्कुल साइलेंट मोड होता है, बिल्कुल बैकग्राउंड में कोई आवाज़ नहीं आएगी। देखिए मैं अगर अभी चुप हो जाता हूं, आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मतलब मैं वीडियो बनाऊं डालूं यूट्यूब पर, ये कंटिन्यू रखूंगा, मैं यूट्यूब का चैनल कोई बंद नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको सीखना है, करियर में आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा फील्ड है 3D का भी, तो आपको ये ऑनलाइन क्लासेस करनी होगी। मिनिमम सी फीस है, ग्रुप क्लास इसीलिए बनाता हूं जिससे आप मिनिमम फीस में अच्छा सीख सकूँ और एक दूसरे के साथ में सीखने में मज़ा आता है। अकेले सीखने में वो बात नहीं होती, मैंने भी देखा है। मैंने भी बहुत मतलब अपने 10-12 साल हो गए मुझे सिखाते हुए, मैंने ये देखा है कि सिंगल को सिखाना और ग्रुप में सीखना, ग्रुप में सीखने में एक मज़ा आता है। सब रहते हैं, थोड़ा सा एक कंपटीशन सा रहता है कि मैं उससे अच्छा बना, मैं सोचूं, क्योंकि वहाँ पर सब लाइव होते हैं और सब बोल रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं। मैं भी बोल रहा होता हूँ, आप सब मुझे सुनोगे, मैं आपको सुनूंगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। तो बंदा ये सोचता है कि मैं अच्छा करने की कोशिश करूँ, थोड़ी सी मैं खिंचाई विचाई भी कर दूँ वहाँ पर, तो ये हो जाता है। तो देखिए जैसे अभी आप यहाँ पर आ जाइए मेरी स्क्रीन पर, तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और एक स्टूडेंट ने ही भेजा था ये प्रोजेक्ट भी। मतलब मैंने जब बेसिक टूल्स बताए, पहले तो थोड़ी सी टेक्निक बताई मॉडलिंग की और फिर मैंने बोला कि आप जो प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो वो भेज दो। उन्होंने ऑटोकैड की फाइल भेजी और ये पूरा जितना आप इसमें देख रहे हैं, इसमें इम्पोर्टेड चीज़ जो है, मर्ज जो कर रखी है बाहर से, इम्पोर्ट कार है एक तो, ठीक है, और कुछ डोर है, डोर विंडो यहाँ पर भी बनाने बताएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो इसमें बनाई गई हैं वो सब यहीं पर बनाई गई है, सब कुछ सारी चीज़ें यहीं पर बताई गई और इजी, बिल्कुल आसान तरीके से। ये एक्सटीरियर का प्रोजेक्ट है, उनका दूसरा प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट बताया फिर ये दूसरा बताया और इसका रेंडर भी हो गया, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब इंटीरियर शुरू होगा, तो ये मेरा तरीका रहता है कि पहले मैं एक हल्का सा ईजी थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनवाता हूँ, उसके ऊपर सारी चीज़ें बताता हूँ, फिर उसके ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट बताता हूँ, फिर इंटीरियर और पोस्ट प्रोडक्शन साथ साथ में। मतलब एक पूरा फाइनल हो गया एक्सटीरियर फिर इंटीरियर। तो क्लास के चलते चलते अगर आप अपने प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे, जैसे मैंने दो प्रोजेक्ट बनाए, तो आप क्लास के चलते चलते, जैसे हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट बनाओ, जो मैंने बनवा दी वो तो है, आप अपने भी बनाओ और उसमें जो जो प्रॉब्लम आएंगी आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस होती है और वो फिर आपको फ़ायदा मिलता है उस चीज़ से, लाइव क्लास से। 1-to-1 डायरेक्ट क्लास होती है जूम पर, आप क्लास मोबाइल से भी अटेंड कर सकते हैं और इस अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी। बेटर तो यही रहता है कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ज़रूरी है और आप उसी पर लाइव रहें, अपनी फ़ाइल भी दिखा सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहीं से उसको चेक कर सकता हूं, देख सकता हूं और आपको बताऊंगा बिल्कुल। और चार्जेस जो रखे हुए हैं, इतने रखे हुए हैं कि आप सीखने के बाद एक या दो प्रोजेक्ट करेंगे, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट है, अभी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं, किसी दिन लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग करूंगा तो आप स्टूडेंट की ज़ुबानी सुन सकते हैं। अभी वो सीख ही रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के तो प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। तो बात यही है कि मतलब आपका रिज़ल्ट, जो मेन टेक्निक है, जो ट्रिक्स हैं, वो आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। इसका रेंडर आ चुका है डे का, रेंडर तो नाइट का भी हो चुका है, लेकिन उसका पोस्ट प्रोडक्शन अभी नहीं हुआ, तो मैं अभी आपको इसका रेंडर दिखाता हूँ, रॉ फाइल दिखाता हूँ और पोस्ट प्रोडक्शन वाली फाइल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर
इसी प्रोजेक्ट का रेंडर है जो आपको यहाँ पर अभी दिखाया मैंने 3ds Max में, ये उसी का रेंडर है। और ये इसकी फाइल थी जो रेंडर होके आई थी 3ds Max से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो फाइनल है वो कैसा है, वो ये है। मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ बराबर रख के। देखिए पोस्ट प्रोडक्शन के बाद ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये रेंडर हो चुका है, सेम फाइल है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने दूसरी रेंडर की फाइल लगाई है उसको पोस्ट प्रोडक्शन किया, इसी वाली रेंडर वाली इसकी जो रेंडर की जो इमेज थी TIF या JPG वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं वो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ही आप देख लो, इस जगह पर इफ़ेक्ट यहाँ पर ही देख लो, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो, ये देख लो, ये देखो, आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर। तो जब तक आप पोस्ट प्रोडक्शन तक नहीं जाएंगे, आप अगर चाहे जितनी जान लगा के रेंडर निकालते रहो यही रिज़ल्ट आता रहे, इसको चाहे जितने हज़ार पिक्सल पे निकाल लेना आप। बहुत से क्या करते हैं 10,000 पिक्सल 5,000 पिक्सल, उनसे कुछ नहीं होता है। इसके अगर आप पिक्सल देखोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो यहाँ पर ये 1920 और 1080 2000 पिक्सल भी नहीं है, ठीक है। और इसके अगर देखोगे तो इसके भी यही हैं सेम 1920 1080 पिक्सल। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा पिक्सल पर निकाली गई है तब जाके रिज़ल्ट आया, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्निक है, ठीक है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये जो चीज़ें ऐड करी गई हैं फोटोशॉप से, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है कार के आगे, ठीक है। आप ये देख लो, ये कॉलम देख लो यहाँ पर और यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें टेक्निक सिखाई जाती हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, कुछ इस तरह के स्टूडेंट भी आते हैं, काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं और फिर भी उनका रिज़ल्ट नहीं आता, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, उनको 3ds Max की सारी नॉलेज हो गई। लाइट्स आपको भी पता होंगी सारी, प्लेन लाइट, स्फेयर लाइट, ये लाइट वो लाइट, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये पोस्ट प्रोडक्शन करा हुआ है इसका, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिफोर, ठीक है, और ये आफ्टर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ 11th October मंडे से ये क्लास शुरू होने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मंडे से क्लास शुरू होने वाली है और ज़्यादा डिटेल्स आपको पूछनी है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पहले से मुझे मैसेज कर रहे थे क्लास के लिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। 11th October से क्लास शुरू हो रही है और क्लास का जो टाइम रहेगा 8:40 नाइट में, ये टाइम रहेगा। और हफ्ते में 4 क्लासेज होगी, ठीक है, 4 क्लासेज इन ए वीक, और आपको डायरेक्ट क्लास दी जाएगी, डायरेक्ट चीज़ें सिखाई जाएंगी, डायरेक्ट आपका कन्वर्जेशन होगा मेरे साथ में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया था कि मैं ये ग्रुप क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको सॉफ्टवेयर जो यूज़ होंगे 3ds Max, वीरे एंड फोटोशॉप, 3 सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। ऑटोकैड आपको आता ही होगा क्योंकि ऑटोकैड के, और 3ds Max भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो कैसे होगी, आपको बस मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, गुलशाद अंसारी सर्च करके आप जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर ये वीडियोज़ हैं 3ds Max की, ठीक है। प्लेलिस्ट पर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ से अगर प्ले करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियोस हैं, आप यहाँ से इनको देखकर सारा बेसिक सीख सकते हो। इन वीडियोस में वो सब चीज़ें हैं जो आपको किसी इंस्टीट्यूट पर भी नहीं सिखाई जाएंगी। मैं पहले से वर्किंग में भी रह चुका हूँ और अभी भी प्रोजेक्ट करता हूँ, 6 ईयर मैंने सऊदी अरब में प्रोजेक्ट्स किए हैं, कंपनी में जॉब करता था वहाँ पर। तो यहाँ पर ही वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको किसी इंस्टीट्यूट पर भी नहीं सिखाई जाएंगी। तो आप यहाँ से बेसिक नॉलेज लेकर ही ये कोर्स ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको यहीं से लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं वहाँ से ABCD नहीं सिखाऊंगा, मैं वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर काम करना सिखाऊंगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेट मत करें क्योंकि मैं लिमिटेड स्टूडेंट रखने वाला हूँ ग्रुप में, और जल्दी ही क्लास शुरू हो रही है 11th October से, यानी कि मंडे से
कमिंग मंडे जो है उसी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, और हफ्ते में 4 क्लास होंगी। आपको प्रैक्टिस का फुल टाइम मिलता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो चीज़ पूछनी है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वीडियो से रिलेटेड या इसी वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गरीबों की मदद करें। थैंक यू।